पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के नेतृत्व में यहां से निकट कंद्रोर की कटवाल बस्ती की दर्जनों ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने उनके ही गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित उनके कोई 200 वर्ष पुराने आने जाने वाले रास्ते को उखाड़कर आवागमन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देने तथा उन्हें जाति सूचक शब्दों की भाषा का प्रयोग करके अपमानित करने के विरुद्ध जोरदार नारों के बीच बिलासपुर सदर थाना के प्रांगण में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज करके शीघ्र अतिशीघ्र उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा उनके घरों को आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, पुश्तैनी रास्ते को खुलवाया जाए ताकि उन्हें इस समस्या में आ रही विभिन्न कठिनाइयों व समस्याओं से छुटकारा मिल सके। उन्होंने हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार बंद करो के नारों के बीच कहा कि वे इससे पूर्व भी अपनी शिकायत थाना परिवारी पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा जिला प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन आरोपी व्यक्तियों के सत्ताधारी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पुलिस प्रशासन इन व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने से कतरा रही है, जिसके कारण उन्हें विवश होकर न्याय प्राप्त करने के लिए थाना सदर के बाहर धरना प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा। इन ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि FIR दर्ज करके दोषियों को दंडित नहीं किया जाता और रास्ता बहाल नहीं किया जाता तो रास्ते के उखाड़े जाने से कुप्रभावित हुए 32 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीण अनिश्चितकाल के लिए जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे, जिसका सारा उत्तरदायित्व जिला प्रशासन पर होगा। बंबर ठाकुर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि यदि ग्रामीणों को न्याय नहीं दिया गया तो वे उनके साथ तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। बाद में HSO सदर यशवंत सिंह ने धरने पर बैठे इन ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आज शाम 4 बजे मौके पर मामले की छानबीन करके उचित कार्यवाही करेंगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। और पुलिस प्रशासन उस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रहा है। हमारा रास्ता जो उसने उखाड़ा है उसको पक्का करने में कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी अभी तक, इसलिए आज गाँव वासियों के अनुरोध के ऊपर मैं यहाँ पे धरना देने इनके साथ धरना देने पे आया हूँ। आज हमारा 1 घंटे का सांकेतिक धरना है और मैं सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि हरिजनों के ऊपर यदि इस प्रकार से अत्याचार होते रहे, सरेआम भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हरिजनों के आबादी के रास्ते को उखाड़े जिसपे सरकार का 2-2 बार पैसा लगाओ और उसके ऊपर FIR दर्ज न हो और उस रास्ते को बहाल ना किया जाए, तो सोमवार को 10 बजे DC ऑफिस के बाहर, SP कार्यालय के बाहर हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे गाँव वासियों के सहित, और पूरे सदर चुनाव क्षेत्र के लोग उस धरने में शामिल होंगे और जो सारी उसकी जो जितनी भी जिम्मेवारी है वो सारी सरकार की होगी। आज कोरोना महासंकट चल रहा है और इस संकट के अंदर जो है हम कोई नई स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग इस महामारी के समय में भी अपना निजी स्वार्थ हल करने के लिए अपने दुश्मनी निकाल रहे हैं और गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और सरकार मूक दर्शक होकर के बैठी है और सरकार के लोग गरीबों के ऊपर और हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने पे तुले हैं, जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि आप दबाव में ना आए और FIR दर्ज करें, जिसने किसी ने गुनाह किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इनका रास्ता बहाल हो, और जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इनको अपमानित किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा सोमवार से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा।